मुस्तफाबाद माशरती, उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मरूफ अदाब। आज हम मरूफ अदाब के ऊपर बात करेंगे कि मरूफ अदाब कौन से हैं और ये किस तरह माशरे का एक अहम हिस्सा इनको तसव्वुर किया जाता है, या किस तरह ये माशरे के अंदर अपना मुकाम जो है वो बरकरार रखे हुए हैं, इसके ऊपर मारूफ अदाब की जो है वो बात की जाएगी। तो सबसे पहले मारूफ अदाब किसी भी सकाफत के ज़्यादा मजबूत और मुस्तकिम मामलात होते हैं। इनका मुकाम लोक रीत के बाद से बुलंद होता है। लोक रीत हमने जो कि क्लास में पढ़ चुके थे कि क्लास में हमने पढ़ा बुलंद है, इसलिए इनकी अहमियत भी माशरे में ज़्यादा होती है। ये भी रवाजी किरदार को मुतय्यन करते हैं। ये अदाब माशरती ज़िंदगी के रवाजी किरदार हैं और अच्छाई और बुराई के मियार हैं। मतलब इनका जो बेसिकली तल्लुक है वो अच्छाई और बुराई से है। मतलब ये कहा जाए तो हमारे माशरे के अंदर जो इनकी पहचान है वो अच्छाई और बुराई के मियारात है। अच्छाई और बुराई के मियारात पर जो है वो पूरा उतरना, तो इसकी तारीफ जो है बिल्कुल ग्राउंड के मुताबिक जो मरूफ अदा समाजी जिंदगी के रवाजी तरीके हैं और ये अच्छाई और बुराई के मियार है। तो मतलब इनका तल्लुक जो है वो बुराई और अच्छाई से है कि जो हमारे साथ क्या होते हैं मुंसलिक होते हैं या जुड़े हुए होते हैं उसी से इनका तल्लुक है। मरूफ अदा इन रवाजों का नाम है जो किरदार को परखने के लिए, अब किसी भी इंसान के किरदार को परखने जानने उसकी पड़ताल करने के ये सबसे ज़्यादा सख्त तरीके हैं जिनको आप कह सकते हैं, जो किरदार को परखने के ज़्यादा सख्त मियार हैं, जो दुरुस्त और गलत में तफरीक करते हैं कि आप सही क्या कर रहे हैं गलत क्या कर रहे हैं, उसके अंदर क्या करते हैं ये तफरीक करते हैं, तफरीक करके हमें क्या करते हैं वो बताते हैं। तो मरूफ अदाब हमारी ज़िंदगी के मियार हैं जिनके जरिए अच्छे और बुरे किरदार में तमीज़ की जाती है। अब यहाँ पे एक बात देखें तो यहाँ पे वाजह तौर पर जो बात थी कि हमारे किरदार के अच्छे या बुरे होने में ये फ़र्क बयान करते हैं, तो की जाती कोई किरदार मियार के मुताबिक है या नहीं, कोई फेल माशरे के किरदार के मुताबिक है या नहीं। अब देखिए इनमें फ़र्क जो है ये क्या कर रहे हैं बयान कर रहे हैं कि मतलब कौन से हमारी किरदार जो है वो माशरे के काबिल कबूल है, जिन्हें माशरा कबूल करता है एक्सेप्ट करता है, या जो माशरे के बहुत ज़्यादा क्या हैं करीब हैं, और या वो जो माशरे को नापसंदीदा नज़र से देखी जाती हैं, या माशरा जिनको अच्छा नहीं समझता या बुरी इकदार जो है वो कोई तसव्वुर माशरे के असूलों के ख़िलाफ़ है या नहीं, इन बातों का फ़ैसला मरूफ अदाब करते हैं कि जो हमारे मरूफ अदाब हैं ये क्या करते हैं इसमें इसका फ़ैसला करते हैं। मरूफ अदाब भी गैर रस्मी मामला है, ये भी गैर रस्मी है, तहरीरशुदा नहीं है, ना ही किताबों की शक्ल में हमारे हमें मिलते हैं, ना ही किताबों की शक्ल में ये मौजूद है कि जो हम किताबों को पढ़ें और उसके अंदर लिखे हैं और उसके मुताबिक क्या करें हम इसका फैसला करें, ये ऐसा भी नहीं है। तो उसके बाद इसके अंदर मामला जो किताबों की तरह तहरीरशुदा नहीं बल्कि माशरती ज़िंदगी में इनका रवाज पाया, तो ये हमारी माशरती ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा तसव्वुर किए जाते हैं जो माशरे के साथ साथ चलते हैं, या माशरे के अंदर जिनका एक मुकाम है उसकी वजह से ये माशरे के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ बड़े लोगों से वालिदैन से और उस्तादा से इनको सीखे और इन किरदार से इनका मुशाहिदा करते हैं, या उनके नसा से इनकी तल्लुक मालूमात मुतल्लक मालूमात हासिल की जाती है। मरूफ अदाब की मिसालें, अब मरूफ अदाब की मिसालें जो हैं वो कौन सी हैं, तो मरूफ अदाब की चंद मिसालें इसमें ज़ाहिर है जो माशरे हमारे माशरे में पाई जाती है। अब ये इस तरह भी होता है कि अपने माशरे से मरूफ अदाब की चंद मिसालें पेश करें, मरूफ अदाब के हवाले से माशरे के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें या मिसालें हैं जो आपके ख्याल में पेश करें। तो उसके अंदर सबसे पहली जो मिसाल हमारे सामने आती है जो हमारी माशरती ज़िंदगी से तल्लुक़ रखती है, जो हमारी माशरती ज़िंदगी से वाबस्ता है, जिसका हमारी माशरती ज़िंदगी से बहुत ही गहरा तल्लुक़ है, तो वो है पराए घर में दाखिल होने से पहले
इजाजत तलब, ये भी हमारे मारूफ अदाब में कोई तहरीरी नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि मतलब किसी के घर में जाने से पहले आप इजाजतनामा, लेकिन ये हमारे इखलाकी तौर पर या हमारे जो मारूफ अदाब है वो हमें इस चीज की इजाजत देते हैं, ना सिर्फ पराए घर में हत्ता के अपने ही घर में किसी दूसरे के कमरा में जब कमरे में दाखिल होना हो तो हमें ये इजाजत लेना जरूरी है, उस दरवाजे पे दस्तक देना जरूरी है, नौ करना जरूरी है, पहले इजाजत तलब करना कि हम कमरे में दाखिल हो या ना हो। तो इसी तरह किसी भी जब हम किसी के घर जाते हैं, किसी हमसाये के या किसी अपने अजीज के घर जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त उनके घर में दाखिल होने से पहले हमारा इजाजत नामा लेना क्या है वो जरूरी है, ये हमारे मारूफ अदाब के अंदर शामिल है कि हम उसके जैसे हम किसी अपने दोस्त अजीज के घर जाएं तो उसके भी दरवाजे पर दस्तक देना लाजमी है। तो बात है दीनी बुजुर्गों का अदब करना। नंबर दो पे इसकी मिसाल जो है ये हमारे वालिदैन और दीनी बुजुर्गों का, मतलब इसमें उलमा इकराम, उस्ताजा, वालिदैन वो तमाम लोग शामिल हैं, तो उनके सामने मुअद्दब रहना, अदब से रहना, उनके सामने ऊंची आवाज में ना बोलना, अच्छे तरीके से उनके साथ उसमें सलूक से पेश आना, ये तमाम मारूफ अदाब के अंदर जो है वो चीज़ें शामिल हैं जो कि हमारा मुस्तहिक है कि हम उसके साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा सलूक करें जिनके साथ अपने वालिदैन के साथ इस तरह का किरदार जो है वो उनके साथ निभाएं। उसके बाद नंबर तीन आदत है, साल नंबर तीन जो है वो कुरान, खाना काबा, मस्जिद और नमाज का एहतराम। अब देखिए कुरान का एहतराम कि जब तक हम बावजू होकर क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, बगैर वजू के हम कुरान को पकड़ नहीं सकते, इसकी तलावत के लिए ज़रूरी है कि पहले आप पाक हों, वजू करें और उसके बाद इसकी तलावत और इसको पकड़ें। तो ये खाना काबा का जो है एहतराम, तकद्दस, उन चीज़ों का ख्याल रखना, उसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा करना, ये मस्जिद के अंदर मस्जिद का तकद्दस ये है, उसमें दौड़ने से बाज रहना, उसके अलावा कहके लगा कर ऊँची आवाज़ में हंसना या वहाँ पर बैठ कर भी ऐसी गुफ्तगू करना जो मस्जिद के मामूल के ख़िलाफ़ हो, ये भी मारूफ अदाब के अंदर शामिल है। मस्जिद के तकद्दस का ख्याल रखना, नमाजियों का ख्याल रखना, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या है शामिल हैं। तो नमाज का एहतराम करना, ये भी कि जब नमाज के लिए बार दफ़ा ये भी होता है कि हम जमात खड़ी हो जाती है और उसके लिए हम दौड़ लगाते हैं, ये भी मस्जिद के तकद्दस के ख़िलाफ़ है, बल्कि आस्था चलते हुए आओ, जितनी नमाज तुम्हें मिले उतनी अदा कर दो, जो बाकी रह जाए उसके बाद में मुकम्मल कर दो। तो ये सच बोलना, पूरा बोलना और वादा पूरा करना, बेशक वादा के बारे में पूछा जाएगा कि जब अहद करो तो उसको पूरा करो, अहद के बारे में भी पूछा, तो सच बोलना, हमेशा सच का जो है वो बोलना, ये हमारे मारूफ अदाब हमें सिखाते हैं कि हमेशा सच बोला जाए। तो उसके बाद नंबर पाँच पे जो इसकी मिसाल है वो है ख्वातीन का एहतराम करना, इनके साथ उस सलूक से पेश आना, नरमी का बर्ताव करना, इनकी इज्जत का ख्याल करना, तो ये तमाम ये भी हमारे मारूफ अदाब के अंदर क्या है शामिल है, ये भी हमारे मारूफ अदाब का एक हिस्सा है, इसके ऊपर अमल करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद बाएं हाथ गाड़ी चलाना, ये हमारे यहाँ का जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी माशा उसका जो है वो एक मामूल है, मारूफ अदाब में ये भी शामिल है, गाड़ी को चलाते वक्त इस चीज़ का भी क्या किया जाए ख्याल रखा जाए, इसके ऊपर भी जो है वो हमारा होना चाहिए। उसके बाद हलाल जानवर को ज़िबा करके गोश्त, मतलब जो हलाल करार दिए हुए मारूफ अदाब, मतलब हराम जानवर को भी तकबीर या उसके अंदर ज़िबा करके वो हलाल नहीं हो जाएगा, वो हराम ही रहेगा, सिर्फ हलाल जानवर को क्या करना ज़िबा करना और उसके मुताबिक क्या करना फिर उसका ज़िबा करके गोश्त खाना। निकाह के बाद औरत को बीवी, मतलब ये भी मारूफ अदाब के अंदर शामिल है, आप किसी को उस वक्त तक बीवी नहीं बना सकते या बीवी नहीं मान सकते जब तक आप उससे निकाह नहीं कर लेते, तो निकाह ज़रूरी है इसके लिए, शादी के लिए, मतलब किसी औरत को अपनी बीवी बनाने के लिए निकाह जो है वो मारूफ अदाब के अंदर ये भी शामिल है। हलाल रोजी कमाना वगैरह वगैरह, मतलब अपने अहलो अयाल के लिए हलाल रिज़्क कमाना, उनके लिए हलाल रिज़्क का बंदोबस्त करना, ये भी क्या मारूफ अदाब का हिस्सा है। मारूफ अदाब के खिलाफ वर्जी पर अब जब माशरे के अंदर ये इतनी अहमियत के हामी हैं,
इनको बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है, दान रपट की जाती है। इसके अब जब कोई बरक्स जाता है, इनराफ करता है, इसके खिलाफ जाता है, बरक्स काम करता है, तो माशरे के अंदर से फिर अफराद इसके लिए क्या सजा मुतय्यन करते हैं, वो क्या सजा इसको देते हैं। तो मरूफ अदाब की खिलाफ वर्जी पर सजाएं जो है वो मरूफ अदाब चूँकि संजीदा माशरती हालात के असूल हैं और इनमें सब संजीदा हालात में फर्द की रहनमाई करते हैं और इसके लिए उनकी सख्ती से अमल किया जाता है। जो अफराद इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं माशरे में सख्त गैर रस्मी सजा देता है जिसमें इनका माशरती बायकॉट मतलब माशरे के साथ इनका तल्लुक क्या किया जाता है वो काट दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। माशरे के साथ इनका तल्लुक हुक्का पानी मतलब इनका जो हुक्का पानी है वो बंद कर दिया जाता है। माशरे के अफराद इनसे लातल्लुकी का तल्लुक लातल्लुकी इख्तियार कर देते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी सजा है मरूफ अदाब से इनराफ करने की। तो ये सजाएं जो है वो इसके लिए दी जाती हैं। उसके बाद बरादरी से अफराज, ऐसे अफराद को बरादरी से क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, उसका अफराज कर दिया जाता है। जद्दो को मतलब उसको मारना, डांटना, झपटना, इस तरह जो है वो डराना, ये सारे इसमें बेइज्जती और तौहीन के अलावा डांट झपट वगैरह शामिल, मतलब ये तमाम सजाएं जो है मरूफ अदाब की खिलाफ वर्जी करने पर अफराद को दी जाती हैं। अब नंबर उसके बाद मिसाली के बाद और सजा के बाद आ जाता है मरूफ अदाब की अहमियत। अब हमारे माशरे के अंदर मरूफ अदाब की अहमियत क्या है, ये कितने अहम है कि ये अफराद को किस तरह अमल करवाते हैं, ये किस तरह अफराद के लिए इनकी जरूरत। तो सबसे पहला जो मरूफ अदाब की अहमियत का है वज़ाइफ़ में शामिल है वो है मरूफ अफराद में ज़ब्त का क़याम। अब ये क्यों चूंकि एक गैर रस्मी है, रस्मी नहीं है, तो उसके बावजूद भी देखा जाए जब उनकी अहमियत तस्लीम की जाती है कि ये फर्द के अंदर क्या करते हैं उनके ज़ाब्ता, कि अफराद में ज़ाब्ता का क्या है, कि फर्द में अफराद में ज़ाब्ता का क्या उनकी अहम जिम्मेदारी है कि इसमें जो है वो उनके ऊपर लागू है। मरूफ अदाब गैर रस्मी तौर पर अफराद में ज़ब्त कायम करते हैं, तो यानी रस्मों रस्मी अदारों पुलिस अदालत वगैरह के बगैर ही माशरे में कंट्रोल कायम करते, मतलब इनका मतलब माशरे को मुनज़्ज़म करना और माशरे के एक पुरसकून और अच्छा मुहज़्ज़ब माशरा तशकील देना क्या है मरूफ अदाब के अंदर शामिल है। कि पहले ही जो इनके ऊपर इसका वज़ाइफ़ में शामिल है या अहमियत में शामिल है वो है माशरे के अंदर ज़ब्त कायम रखना इसमें शामिल है। नंबर दो पे आते हैं इकदार की हिफाजत। जो हमारी इकदार माशरती और मजहबी दो तरह की इकदार जो है वो क्या है हमारे पाई जाती है, उनका ख्याल करना, उनका तहफ़ करना भी इसमें शामिल है। मरूफ अदाब माशरे की संजीदा और गहरी इकदार की हिफाजत करते हैं जिनमें मालो और जान की हिफाजत। अब देखो कि ये हम अहद कहते हैं कि किसी को भी ना हक कत्ल नहीं किया जाएगा, ना ही किसी का गैर कानूनी तौर पर या गैर तरीके से क्या किया जाएगा, उसका माल छीना जाएगा, इनकी हिफाजत करना भी हमारे अंदर शामिल है। इज्जत और आबरू का ख्याल मतलब उसके किसी की भी इज्जत को उछाला नहीं जाएगा, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा बल्कि उसकी इज्जत का ख्याल किया जाएगा। और मजहबी इकदार शामिल है, मजहबी इकदार में नमाज, रोज़ा, रसालत, तौहीद, ये तमाम तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सारे क्या हैं हमारे इसमें शामिल है। इसमें मजहबी इकदार में सबसे पहले जो मजहबी इकदार में है वो तौहीद है, अल्लाह ताला की वाहदियत को बयान करना, अल्लाह ताला के जो है उसके अंदर, तो ये मरूफ अदाब सबसे पहले इसकी क्या करते हैं तालीम देते हैं और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा। यकजहती को फ़रोग देना, फिर माशरे को एक कौम की शक्ल में ढालना, ये भी मरूफ अदाब के अंदर क्या है शामिल है। मरूफ अदाब माशरे के अफराद में बामी सलूक, बामी एतमाद और यकजहती को के जज्बात पैदा करते हैं। अब देखो कि एक दूसरे के अंदर बामी एतमाद के एक दूसरे के ऊपर इंसार, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर किसी मसले का हल तलाश करना, ये सारी चीज़ें जो है मरूफ अदाब की बदौलत क्या होती है अफराद में पैदा होती हैं। लोगों की राय को एक रूप में डालते हैं जिससे इनमें यकसियत और बामी सलूक के नमूने पेश पैदा होते हैं, मतलब इससे इनके अंदर जो है वो बामी मसावात, अखूवत,
करते हैं। उसके बाद मारूफ अदाब जो माशरती बुराइयां हैं उनके खात्मे के लिए भी एक बड़ा ही अहम रोल अदा करते हैं, बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इनका बड़ा अहम किरदार मारूफ अदाब माशरे में गुंडागर्दी, मतलब किसी को नाहक मतलब तंग करना, अपनी ताकत के बलबूते पे दूसरों पर दबाव डालना, इसके खिलाफ क्या होते हैं, ये मिलकर एक दाम करते हैं और इसको रोकने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जाती है। तो ये इसके अंदर शामिल है आवारगी, शराब, जना, जुआ बाजी और दीगर मगर इखलाके इकदार इखलाके अदात को दबाते हैं और इनका किला कमा होता है इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना। तो इनका मरूफ अदा का कि ऐसी जो इंसानी इंसानों के बरक्स या इखलाकी तौर पर बुरी चीज़ें हैं, जो इखलाकी तौर पर जिनकी माशरा इजाज़त नहीं देता, उन चीज़ों को माशरे के अंदर से क्या करना, ख़त्म करना, उनकी पैरवी करने वालों को दबाना, तो ये इसके अंदर क्या है, शामिल है। उसके बाद सकाफती इकदार की हिफाजत, अब मरूफ अदाब हमारे माशरे में सकाफती इकदार की हिफाजत करते हैं जिनमें ख़ास तौर पर औरतों की इज्जत और नमूस की हिफाजत शामिल है। अब देखिए औरत का मुकाम क्योंकि इस्लाम में बहुत ज़्यादा बुलंद है और हमारा तल्लुक इस्लामी रियासत के साथ होने के नाते यहाँ पर औरत की इज्जत और नमूस पर हत्ता के जान कुर्बान करने तक भी जाया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। नेज़दीकी बुजुर्गों का अदब अदब मस्जिद नमाज कुरान करीम और बैतुल्लाह शरीफ का एहतराम, ये हमारे सकाफती मामूलात हैं जो हमें हमारे कल्चर जो मिला हमें अपनी एक नस्ल दर नस्ल जो हमें मुंतकिल हो रहा है, जो सीना पसीना चलता हुआ आ रहा है, जो शुरू से हमारा एक कल्चर है उसका तहफ़ करना भी क्या है इसके अंदर शामिल है कि ये इनका भी क्या करते हैं, ख्याल करते हैं। उसके बाद लोक रीत और कानून में अब तल्लुक, लोक रीत और कानून क्या है, लोक रीत वो है मरूफ अदाब लोक रीत से भी तल्लुक कायम रखते हैं क्योंकि कई लोक रीत अहमियत पाकर मरूफ अदाब बन जाते हैं और कानून से भी इनका तल्लुक कायम रहता है। मतलब बाज़ हमारे कुछ कवानीन भी ऐसे हैं जो कि लोक रीत मरूफ अदाब से निकल कर क्या हो गए वो कानून की शक्ल बने हैं। तो इस तरह कानून और मरूफ अदाब के अंदर भी क्या है, तल्लुक है कि ये बहुत सारी ऐसी अहमियत जो चीज़ें अखलाकी तौर पर हम माशरे के अंदर क्या करते हैं, नाफिस करते हैं, तो माशरी तौर पर जब वो अहमियत का हामिल हो जाती है, लोग उन पर बड़ी सख्ती से अमल करने लग जाते हैं, तो वही चीज़ बाद में क्या होती है ऐसे कानून के तौर पर भी नाफिस हो जाती है। तो इस तरह इसका और उसका काफ़ी हद तक क्या है, गहरा तल्लुक पाया जाता है क्योंकि बहुत से मालूम अदाब कानून में बदलते रहते हैं कि इस तरह वो कानून का हिस्सा भी बनते रहते हैं और बास कानून का हिस्सा बनने के बाद अपनी अहमियत को बरकरार नहीं रख पाते और बास को दोबारा अपनी अहमियत खो देते, कानूनी हैसियत को क्या कर देते, ख़त्म हो जाती है। तो ये इस तरह जो है वो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था मरूफ अदाब और उनकी अहमियत मज़ाइफ और इसकी मिसालें, और इसका सवाल जो है वो इसी तरह मतलब वो पूछा जा सकता है मरूफ अदाब क्या है और हमारी माशरे की ज़िंदगी में इनकी क्या अहमियत है, अपने माशरे से इसकी मिसालों से क्या करें, वजाहत करें। तो फिर हम पहले इसकी अहमियत अगर मिसालें पहले वो पूछ लेते हैं मरूफ अदाब क्या है, इनकी मिसालें दें और अपनी इसकी माशरे की ज़िंदगी में अहमियत बयान करें, तो फिर हम पहले इसकी तारीफ मरूफ अदाब की, उसके बाद फिर इसके मिसालें लिखेंगे, मिसालों के बाद फिर हम इसकी अहमियत और वज़ाइफ की तरफ आएंगे, फिर हम उनको बयान करेंगे, तो इस तरह ये हमारा सवाल जो है वो कम्प्लीट होगा। ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह जो अगला हमारा होगा उसमें कानून कानून की अहमियत और इसके जो वो मरूफ अदाब और लोक रीत के साथ कानून का जो तल्लुक है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात।